बाल बाल बचे वन विभाग के एसडीओ। बड़ा मलहरा के वन विभाग की है यह घटना। बड़ा मलहरा वन विभाग में मुखबिर की सूचना पर ग्राम कोयला से 1 लाख से अधिक की सागौन की लकड़ी और एक अधबना सोफा जब्त किया है। वन विभाग के एसडीओ के वी गुप्ता ने मुखबिर की सूचना पर की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख रुपए की लकड़ी हलू यादव के घर से जब्त की गई। जब्ती के दौरान वीर गार्ड भानु प्रताप सिंह के साथ संतराम यादव, गणेश यादव, भूरा यादव ने जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज। वहीं घात लगाकर बैठे भूरा यादव और गणेश यादव ने वन विभाग की टीम पर पेड़ गिरा दिया, जिसमें वन विभाग के एसडीओ गुप्ता बाल बाल बचे और टीम को भी कोई चोट नहीं आई, जिसकी लिखित शिकायत बाजना थाने में की गई है। आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कोयला में कुछ लोगों के घर में अवैध सागौन का फर्नीचर लकड़ी इत्यादि का काम हो रहा है। अवैध संग्रहण कर ये लोग काम कर रहे हैं। इस पर मुखबिर की सूचना पर दलबल के साथ मौके पर गया। वहाँ 3-4 घरों में अवैध सागौन की लकड़ी, फर्नीचर, अधबना और अन्य का सामग्री मिली, जिनको जब्त करने की कार्रवाई की। इसी दौरान एक संतराम, गणेश और भूरा 3 भाई हैं, तो ये लोगों ने हमारा जो बीट गार्ड है वहाँ का भानु प्रताप सिंह, जो कि ST कैटेगरी का है, उसके साथ जात सूचक शब्दों के साथ उसका अपमान किया, उसको धमकियाँ दी गई। तो हम लोग उसको लाल समझा बुझा करके घटनाक्रम में कार्रवाई कर ली गई। इसके बाद ये लोग धमकी देते हुए कुल्हाड़ी लेकर मोटरसाइकिल से आगे निकल गए। तो हम लोग वाहनों में थे, 2 मोटरसाइकिल में थे, तो आगे इन्होंने सागौन का पेड़ जैसे नक्सलाइट की स्टाइल में लगभग कौन काट के रखा हुआ था। जैसे मेरी गाड़ी आई और इन्होंने उस पेड़ को काट के एक धक्का मार के, जैसे भी उनकी विधा रही हो, या एक कुल्हाड़ी मार करके वो गिरा दिया। संयोग भगवान की कृपा से, आप सबकी दुआ से, मेरी गाड़ी के पिछले भाग में कुछ पत्ते लगे उस पेड़ के, और पीछे जो गाड़ी आ रही थी उसने एकदम से, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और रुक गया। इतने में देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा है, हम लोगों ने पीछा किया तो पीछे से पहचाना कि ये तो भूरा। दोस्तों, मैं वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दिखे उस पर भी क्लिक कर लें।